अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मटन कढ़ाई बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो मटन ली है और मैंने साफ़ सुथरा करके उसको अच्छे से प्रेशर कुकर में गला लिया है। गोश्त मेरा अच्छे से गल गया है और अब मैंने दूसरी साइड पे कढ़ाई में ऑयल डाला है थोड़ा सा, और उसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के फ्राई कर रही हूँ। मैंने यखनी से गोश्त अलग-अलग कर लिया है और ये देखें मेरा लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करके फ्राई करूँगी। मैंने सारा गोश्त अलग कर लिया जखनी से और मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। अब कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैंने शामिल किए 1/2 चम्मच हल्दी का और 1/2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 10 से 12 मैंने छोटी वाली बारीक हरी मिर्च मोटी मोटी कूट ली थी मैंने, और खुश्क धनिया मैंने उसका 1 चम्मच लिया है, वो भी मैंने कूट लिया था, बारीक पेस्ट मैंने नहीं बनाया था धनिया का। मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिए थे, वो मैंने शामिल किए हैं इसमें, और थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको ढक कर अभी को थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। देखिए प्याज थोड़ा मेरा गल गया था। अब मैंने तकरीबन 5 मैंने टमाटर लिए थे, वो भी मैंने छोटे छोटे काट लिए थे और वो भी मैंने शामिल कर दिए इसमें, और मैंने तकरीबन 5 मिनट दम पे दिया था। प्याज और टमाटर दोनों से अच्छे से गल गए हैं। ये यखनी मेरी थोड़ी सी बची थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है ताकि मज़ीद मेरा प्याज टमाटर अच्छे से गल कर पेस्ट एक अच्छा सा बन जाए, और थोड़ा ग्रेवी सी भी मैं उसमें कढ़ाई में रखना चाह रही हूँ। देखिए मेरा वो यखनी भी ड्राई हो चुकी है और अब मैंने इसमें शामिल की है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच बारीक पिसी हुई काली मिर्च का। अब मैं इसको उतार लूँगी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।